नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूबीएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग प्रेशर वाल्व का ट्यूबिंग करना सीखेंगे, प्रेशर वाल्व में कौन कौन से एक्सेसरीज लगे होते हैं उसे देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं जो ये ग्रीन कलर का वाल्व है, इसे प्रेशर वाल्व बोला जाता है। और ये जो प्रेशर वाल्व है, ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इफ एयर फेल टू क्लोज और एयर टू ओपन वाल्व होता है, जो भी ग्रीन कलर का वाल्व होता है, जब उसमें एयर देते हैं तो ये ओपन हो जाता है, एयर फेल होते ही ये क्लोज हो जाता है। तो इसलिए वाल्व को, इस तरह के वाल्व को एयर फेल टू क्लोज या एयर फेल क्लोज या एयर टू ओपन वाल्व कहा जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये फिल्टर रेगुलेटर लगा हुआ है, फिशर कंपनी का फिल्टर रेगुलेटर है, साथ में गेज है और एक मेल कनेक्टर लगा हुआ है। उसके बाद फिर मेल कनेक्टर लगाने के बाद टी लगा करके, ये वाल्व लगा करके, निडिल वाल्व लगा करके ट्यूबिंग किया हुआ है। मतलब कि फिल्टर रेगुलेटर और एयर हेडर के बीच में एक निडिल वाल्व है, और निडिल वाल्व भी है वो नज़दीक में है, वाल्व के नज़दीक में, कंट्रोल वाल्व के नज़दीक में लगा हुआ है, ताकि जब कभी भी मेंटेनेंस करना हो तो निडिल वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद उस वाल्व के जो प्रेशर रेगुलेटर, ये जो वाल्व है कंट्रोल वाल्व, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स, उसको डिजिटल वाल्व कंट्रोलर बोलते हैं, शॉर्ट में DVC, डिजिटल वाल्व कंट्रोलर बोलते हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें केबल ग्लैंड किया हुआ है, ताकि इसमें केबल आया हुआ है ताकि इसे कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा सके, ओपन क्लोज भी किया जा सके। और ये जो वाल्व है ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, और फिल्टर रेगुलेटर हमेशा वाल्व के पास में लगा हुआ रहता है, ताकि वो एयर को फिल्टर करके एक्चुएटर के अंदर जाने दे। नहीं तो क्या है, कभी कभी मॉइस्चर या डस्ट अगर डायफ्राम के अंदर चला जाएगा, एक्चुएटर के अंदर चला जाएगा, तो एक्चुएटर सही से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए फ़िल्टर रेगुलेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ में दूसरा बात है कि ये जो एयर हेडर से कितना प्रेशर आ रहा है वाल्व में जाने के लिए, उसको देखने के लिए एयर फिल्टर रेगुलेटर के अंदर एक गेज लगा हुआ होता है, जिसको देखने के बाद मालूम होता है कि यहाँ पे इतना केजी प्रेशर है। प्रेशर को सेट किया जाता है, जितना केजी प्रेशर वाल्व को चाहिए उतना केजी प्रेशर सेट करके रखा जाता है। इसलिए फिल्टर रेगुलेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है वाल्व में, चाहे कोई भी वाल्व हो, अगर वो कंट्रोल वाल्व है तो उसमें फ़िल्टर रेगुलेटर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि क्लीन और विदाउट मॉइस्चर, बिना नमी के जो एयर है वो फिल्टर रेगुलेटर के अंदर, वो वाल्व के अंदर जाए और वाल्व सही से काम करे, प्रॉपरली काम करे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।